हाय गाइस, आई होप आई विजिबल एंड ऑडिबल नाउ टू ऑल ऑफ यू. तो यहां पर आई थिंक देयर वाज सम इशू विद द स्लाइड नॉट बीइंग विजिबल. आई थिंक इट्स विजिबल नाउ. एनीबॉडी हु हैज दिस इशू इवन नाउ, आई थिंक इट्स सॉर्टेड. गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. आई थिंक द स्लाइड्स आर विजिबल नाउ. एको हो रहा है. अच्छा रुको, लेट मी चेक दिस. एक बार मुझे चेक करने दो, एक सेकंड. ठीक है, एक सेकंड में काम कर दो. लेट मी जस्ट पॉज दिस फॉर अ वाइल. मेरे को एक मिनट दो बस. इज इट बेटर नाउ? आई थिंक अब शायद होना चाहिए सॉर्ट. अब ठीक है. ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, है ना. लेट्स क्विकली बिगिन विद दिस. ठीक है, तो हम लोग आज विल डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज यूजुअल, है ना, जो हम लोग जनरली करते हैं. तो हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज की क्लास में डिस्कस करने वाले. एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले. अभी हम 5-7 मिनट लेट हो गए इसको स्टार्ट करने के लिए. बट विल डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज यूजुअल. तो ये डेली डोज में हम लोग क्या करते हैं कि वी ट्राई टू डिस्कस सम द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम विद इन द सेम डे और मे बी नो एक दो दिन के टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट छोटे टॉपिक्स होते हैं तो उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं अदर देन वॉट वी डू इन आर क्लासेस. सो दिस क्लासेस आर नॉट जस्ट टॉपिक डिस्कशन बट ऑल्सो विल डिस्कस सम क्विज क्वेश्चन. ठीक है, हम लोग कुछ क्विजेस भी डिस्कस करेंगे इस क्लास में एंड में. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्विकली ब्रीफ यू थ्रू दिस. एन अकेडमी हैज राइट नाउ रन, इज इनफैक्ट द राइट नाउ रनिंग 20% ऑफ फॉर ऑल ऑफ यू. यू कैन यूज माई कोड केशव लाइव एंड गेट 20% ऑफ. दिस इज वैलिड टिल अप्रैल 14. तो आज 10th है, सो इट्स अवेलेबल फॉर 4 डेज. आप लोग ले सकते हो आपके 9 मंथ या 12 मंथ वॉट एवर सब्सक्रिप्शन यू फील इज यूजफुल फॉर यू, है ना. सो यू कैन टेक दैट सब्सक्रिप्शन एंड यू कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन राइट अवे विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, है ना. हम लोग को मतलब ऑब्वियसली वी कैन नॉट डू दिस. एंड द वॉरियर्स इज अ बैच दैट आई थिंक अ लॉट ऑफ यू वुड नो अबाउट. हम लोग काफी टाइम से इसकी बात कर रहे थे. सो अप्रैल 13, 2023 से दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ. सो अ लॉट ऑफ अस वर एंटिसिपेटिंग कि ये बैच कब स्टार्ट होएगा. सो इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 13, 2023. ठीक है, यू कैन सी द एजुकेटर्स हु आर अ पार्ट ऑफ दिस बैच. There are two kinds of subscriptions. यहाँ पर आप देख सकते हो जो अपन अकेडमी पे ले सकते हो. One is a plus subscription, another is an iconic subscription. मैं आपको इनके फायदे बता देता हूँ. Iconic subscription अगर आप लेते हो तो iconic में you get access to an academy's classes on the app. You also get access to an academy's mentor for strategy and you get books. है ना, आपके घर पर deliver की जाएंगी तो books आपको घर पर भेज जाएंगे. And plus subscription अगर आप लोगे so you get access to all the classes. So you can take a subscription, pick it up and see what subscription would you like to take. Aap start kar sakte ho apni preparation right away without wasting time now. This is the mock test schedule, hai na, Unacademy ka jo mock test schedule hai. To apne test ke timing aur test ke dates note kar sakte ho taki aap log time se apne test bhi de sako and you stay ready with the preparation. Theek hai, so this is very very important for you to understand. Yahan pe matlab aap dekh sakte ho regularly you will find a test, 2 tests every week, sometime 1 test a week. तो पूरे टाइम डेफिनेटली आप कर सकते हो, राइट. हाउ मच फी यार, अभी दिस इज द थिंग. अभी देखो 9 months का इफ यू टेक अ प्लस सब्सक्रिप्शन 20% ऑफ, तो आपको इफेक्टिवली यू हैव टू पे 39,200. ठीक है, सो दिस इज वॉट द सब्सक्रिप्शन कॉस्ट इज. तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, है ना. अभी आपके एग्जाम में आई थिंक 9 महीने ही है, तो अगर आप 24 दे रहे हो तो 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन शुड बी गुड इनफ. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. यहां पर फर्स्ट टॉपिक विल डिस्कस इज 75 ईयर्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 75 ईयर्स पूरे हुए. सो द WHO हैज मार्क्ड इट्स 75th anniversary ऑन 7th April 2023. ठीक है, 7th April 2023 को उन्होंने अपनी 75th anniversary मार्क करी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने. सो एवरीबडी मस्ट हैव हर्ड अबाउट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड सो ऑन.
ठीक है, तो अप्रैल 1945 में पॉलिटिशियंस ऑफ अराउंड द वर्ल्ड, एवरीबॉडी नोज ना वर्ल्ड वॉर टू एंड हुआ था, तो 1945 में इट गॉट एंडेड। तो हम लोगों को लगा कि भाई हमें कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढनी पड़ेंगी जो वर्ल्ड पीस में, वर्ल्ड हेल्थ के लिए, अलग अलग जो हमारे कंसर्न्स थे उस टाइम के, उनके लिए काम कर सके, राइट। सो पॉलिटिशियंस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड गैदर्ड एट सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को इज इन द यूएस, एंड दे क्रिएटेड दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। उन्होंने यूएन स्टैब्लिश किया उस टाइम पे। उसके 3 साल बाद करीब अप्रैल 7, 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वॉज बॉर्न 3 years later, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को उसको बनाया गया। सो इट स्टेट्स दैट हेल्थ इज अ ह्यूमन राइट दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इज एंटाइटल्ड टू विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, रिलीजियन, पॉलिटिकल बिलीफ, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन, एंड हेल्थ ऑफ ऑल पीपल इज फंडामेंटल टू अटेनमेंट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। यू डोंट हैव टू राइट दिस, ठीक है, जो लास्ट वाली लाइन है लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि हेल्थ इज समथिंग दैट इज अ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस। आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव सीन अभी वेरी रिसेंटली व्हाट कोविड डिड टू द वर्ल्ड, है ना। मतलब यू विल हैव क्रोर्स ऑफ रुपीज, मिलियंस बिलियंस ऑफ रुपीज, बट अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी देन यू कुड से यू विल नॉट सर्वाइव आफ्टर अ पॉइंट, राइट। ऑल दैट मनी, ऑल दैट वेल्थ, ऑल दैट यू नो एवरीथिंग दैट यू हैव विल डेफिनेटली यू नो बी यूजलेस टू यू। तो इसीलिए हेल्थ बोलते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो इसी प्रिंसिपल के साथ में कि वर्ल्ड में ऐसे कुछ पैंडेमिक्स आएंगे या फिर कुछ बड़ी बड़ी बीमारियां आएंगी जो बहुत सारे लोगों को फैलने लग जाएंगी, तो वो WHO उसके लिए एक्शंस लेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कुछ कुछ सक्सेसेस क्या थे, कुछ कुछ फेलियर्स वगैरह क्या थे, और WHO किस तरह से काम करता है, हम वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे इस क्लास में, ओके। सो इट्स एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन विद अ मैंडेट टू एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑन इंटरनेशनल हेल्थ इश्यूज, ठीक है। इंटरनेशनल हेल्थ इश्यूज पे कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी के जरिए काम करते हैं। 1948 एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दिस वाज इट वाज फाउंडेड इन 1948। इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो जिनेवा में है, ये लिख लेना प्लीज, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स है, ठीक है, जिनेवा में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स है। इसमें टोटली 194 मेंबर स्टेट्स हैं, 150 कंट्री ऑफिसेस हैं और 6 रीजनल ऑफिसेस हैं। ये प्लीज लिख लो गाइस, इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। 194 मेंबर स्टेट्स आर अ पार्ट ऑफ द WHO, देयर आर 150 कंट्री ऑफिसेस एंड 6 रीजनल ऑफिसेस एज वेल। राइट, और जो अलग अलग कंट्रीज होती हैं, है ना, एवरी कंट्री इज अ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, इंडिया में भी है, तो वैसे ही उसके साथ कोऑर्डिनेट करके लोग काम करते हैं यूजुअली, तो मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ। हु इज द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ इन इंडिया, हेल्थ मिनिस्ट्री के, मतलब हु हैज दैट पोर्टफोलियो, फैमिली हेल्थ एंड वेल्फेयर करके बोलते हैं हम, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सॉरी। हु इज द मिनिस्टर, गुड, तो मिनिस्टर इज मनसुख मांडविया। राइट, फ्रॉम वेयर हैव टू कवर करंट अफेयर्स फॉर अपकमिंग मॉक टेस्ट, आप क्लासेस से कर लो, है ना। अनअकैडमी का एक कंपेंडियम आता है जो आपको ऐप पर मिलेगा, आप उससे भी कर सकते हो। आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, मतलब क्योंकि बैकलॉग बढ़ता रहेगा, जितना लेट प्रिपरेशन स्टार्ट होगी उतना बैकलॉग बढ़ेगा। तो अभी जो बैकलॉग है ना, तो उसको तो कवर किया जा सकता है धीरे धीरे करके, और साथ साथ नए नए टॉपिक्स भी करते रहो, बट जितना लेट करेंगे ना उतना ज्यादा बैकलॉग बढ़ेगा और करना डिफिकल्ट होगा बाद में, बिकॉज फिर आप सिर्फ करंट अफेयर ही करते रह जाओगे, तो फिर व्हेन विल यू डू द अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, राइट। तो प्लीज ट्राई टू बी वेरी कंसिस्टेंट, मेंटेन इट एवरी डे, है ना, गिव इट अ लॉट ऑफ टाइम, दैट्स गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। तो अब मैं आपको इसके मेजर सक्सेसेस बताता हूँ, ठीक है। पहला है इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट, इट्स स्टिल कंसिडर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेक थ्रूज ऑफ WHO। तो यहां पर क्या हुआ था,
ग्लोबल पॉपुलेशन वेलबींग जो उसका मेजर सक्सेस था वो 1980 में सामने आया। उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया था 1980s में कि भाई इट हैड वाइप्ड आउट अ कॉमन बट डेडली सेंचुरीज ओल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। तो स्मॉल पॉक्स एक बीमारी हुआ करती थी, है ना, जो क्या होता था कि बहुत ही कॉमन थी, जैसे हम लोगों को नॉर्मली खांसी जुकाम हो जाता है ना, इतनी ज्यादा कॉमन बीमारी थी है, और डेडली और थी। ठीक है, पीपल को पता ही नहीं चलता था, पीपल नेवर न्यू कि उनको स्मॉल पॉक्स हो गया या फिर इतनी मेजर प्रॉब्लम हो गई है। वो उनके नॉर्मल ट्रीटमेंट करते रहते थे और वो ट्रीटमेंट काम ही नहीं करता था, राइट। तो उस पर्टिकुलर बीमारी को उन्होंने 1980 में बाहर कर दिया था, मतलब पूरा ही एलिमिनेट कर दिया था, दुनिया से वाइप आउट हो गई थी वो बीमारी। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स इराडिकेशन वाज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ व्हेन द WHO वर्क्स बेस्ट। इसका ये बेस्ट वो था पॉइंट। ठीक है, यानी कौन है रजनी सिंह, आंसर क्यों नहीं कर रहे, क्या क्वेश्चन है आपका? न्यूज़पेपर में कौन कौन से करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं? यार न्यूज़पेपर में तो रोज अलग अलग करंट अफेयर्स आते हैं ना, कोई एक करंट अफेयर थोड़ी आ जाता है। मैं तो आपको रोज ही ग्रुप पर भेजता हूँ कि आपको क्या क्या रीड करना है। आप अगर क्लास के बीच में से बार बार डिस्टर्ब करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना। और अगर आपको क्वेश्चंस पूछना है तो प्लीज क्लास के एंड में पूछ लेना मेरे से, आई विल गिव यू टाइम, बिकॉज आप मेरे को नहीं डिस्टर्ब कर रहे, बाकी स्टूडेंट्स को भी डिस्टर्ब कर रहे हो ना, जो कि नोट्स बना रहे हैं क्लास में बैठ के। तो आपको कुछ भी सवाल है आप मेरे से क्लास के एंड में पूछ लेना। और न्यूज़पेपर में तो रोज अलग अलग करंट अफेयर्स आते हैं, राइट, तो उसमें मैं उसके लिस्ट बना के भेज देता हूँ रोज अपने ग्रुप पर। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्थ एज अ ह्यूमन राइट, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हम मानते हैं ना कि हेल्थ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब हर चीज से ऊपर ह्यूमन हेल्थ को माना जाता है आजकल। तो वो भी WHO का ही इनिशिएटिव है कि भाई सबसे ऊपर हेल्थ मानी जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हेल्थ शुड लाइक हैव द एकदम सबसे ऊपर प्रायोरिटी। तो ये इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स और यू कुड से डिटरमिनिंग हेल्थ इज अ ह्यूमन राइट आर टू मेजर ब्रेक थ्रूज। ठीक है, ये दो मेजर ब्रेक थ्रूज है ह्यूमन हेल्थ के, WHO के। ओके, अब फेलियर्स क्या क्या रहे, ऑब्वियसली इतने साल से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो देर वुड बी सर्टेन फेलियर्स एज वेल, राइट। तो 2014 में अफ्रीका में एक बीमारी आई थी इबोला करके, जिसने काफी सारे लोगों को मार दिया था उस टाइम पे। ठीक है, तो उसके ट्रीटमेंट को ऐसा देखा गया है कि दे प्रोबेबली नॉट डन वेल। तो मैं आपको बताता हूँ WHO का बहुत ज्यादा मेजर यू कुड से फेलियर्स क्या बोले जाते हैं। तो WHO मोस्टली उन्हीं बीमारियों पे काम करता है, ये क्रिटिसिज्म है WHO का, जो कि यूरोप और US में भी होती है। अगर कोई बीमारी सिर्फ एशिया तक सीमित है, अगर कोई बीमारी सिर्फ अफ्रीका तक सीमित है, तो वो काम नहीं करते। ठीक है, दे आर ऑलवेज यू कुड से फेल्ड इन देयर अटेम्प्ट्स ऑफ एलिमिनेटिंग दोज काइंड्स ऑफ डिजीजेस। तो ये काफी बड़ा एक एलिगेशन लगाया जाता है WHO पे। ठीक है, तो ये जो बीमारी थी गिनी, लाइबेरिया, सीरा लियोन, ये कुछ अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां पर हुई थी, बट यहां पर दे डिड नॉट वर्क टू वेल इन टू दिस, राइट। दिस इज नॉट एग्जैक्टली रेसिज्म, बट यहां पर एक्चुअली क्या है कि मोस्ट ऑफ द फंडिंग दैट द WHO गेट्स दैट इज इधर फ्रॉम द US और यू कुड से द नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज और फ्रॉम यूरोप। तो उनको पैसा वहीं से मिलता है काम करने के लिए, राइट, तो उनकी प्रायोरिटीज हमेशा वही रहती है, दैट इज अ प्रॉब्लम। सो ऑर्गेनाइजेशंस अग्रीमेंट टू गिव अप ऑन ट्राइंग टू इरेडिकेट मलेरिया इन 1960s रिप्रेजेंट अनदर एग्जांपल ऑफ व्हाट सम कंसीडर अ बॉच्ड जॉब। बॉच्ड जॉब का मतलब होता है जॉब नॉट वेल डन। तो मलेरिया को ठीक करने के लिए, क्योंकि इनका एक प्रोग्राम आया था ग्लोबल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम ऑफ 1955, अभी तो जो कितना पुराना प्रोग्राम है ना, 70 साल ऑलमोस्ट हो गए इस प्रोग्राम को, लेकिन इंडिया में तो अभी तक हम देखते हैं कि देर आर सो मेनी केसेस ऑफ मलेरिया एवरी ईयर, है ना, हर साल मलेरिया होता है इंडिया में। तो चलो फिर भी ठीक है, हम लोग ठीक हो जाते हैं, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल डाई ऑफ मलेरिया। देयर आर सर्टेन अफ्रीकन कंट्रीज वेयर पीपल डाई लेफ्ट राइट सेंटर, मलेरिया से बहुत लोग मर जाते हैं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर रहा था, है ना, क्योंकि इसमें ना लोगों को दवाइयाँ पहुंच पाई, ना लोगों को मलेरिया क्योर हो पाया उनका, तो 1969 में फिर इस प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू ही कर दिया था। तो ये एक बड़ा फेलियर रहा था उनका, राइट। एंड कोविड में भी मतलब कुछ कुछ रीजंस की वजह से देवर क्रिटिसाइज, ऑल्दो कोविड में यू कैन नॉट गिव अ स्ट्रेट रीजन एज टू वाई देवर क्रिटिसाइज। कई लोग बोलते हैं कि दे डिड नॉट डू एनफ कि हर जगह वैक्सीन पहुंचाई जा सके, राइट, बिकॉज अ लॉट ऑफ कंट्रीज कुड नॉट गेट वैक्सीन इन टाइम, पीपल डिड नॉट गेट वैक्सीनेटेड, लोगों में और फैलता गया कोविड,
lot of people died because of that. So that is, you could say, a major criticism that WHO faced at the time of COVID as well. तो COVID में भी उनको कुछ कुछ सहना पड़ा था वहाँ पे. But major जो इनका breakthrough था, that was smallpox. Where they failed is majorly malaria and Ebola. So to some extent COVID as well. Okay. चलो next point, next topic I mean, which is a very easy topic to understand again, which is गज उत्सव. गज मतलब होता है हाथी. ठीक है, गज को हिंदी में हाथी बोलते हैं. मतलब सॉरी, हाथी को एक और शब्द है हाथी का, उसको गज बोलते हैं. ठीक है, गज और हाथी दोनों हिंदी वर्ड्स हैं. सो हाथी एंड गज आर सेम थिंग, राइट? सो द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी रिसेंटली इनॉग्रेट किया था काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो असम में है, समथिंग कॉल्ड गज उत्सव 2023. गज उत्सव 2023 उन्होंने क्यों ऑर्गेनाइज किया था? बिकॉज इंडिया का एक प्रोजेक्ट एलिफेंट था, पर्टिकुलरली फॉर टू रिवाइव द पॉपुलेशन ऑफ एशियन एलिफेंट्स. तो उसके पूरे 30 साल हुए थे, है ना, 30 इयर्स हो गए थे. गज उत्सव 2023 इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया था काजीरंगा नेशनल पार्क में. सो दिस इज वन स्कीम विच इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, स्टार्टेड इन 92 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट टू सपोर्ट स्टेट्स टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ एलिफेंट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स. एलिफेंट्स को प्रॉपरली सर्वाइव किया जाए, क्योंकि आप पर्टिकुलरली असम में तो बहुत ही ज्यादा देखोगे देर आर, बट हम एलिफेंट्स तो हर जगह ही देखते हैं इंडिया में, है ना. ऐसा नहीं है कि एलिफेंट्स बस कुछ ही स्टेट्स में होते हैं. एलिफेंट इज देयर इन ऑलमोस्ट एवरी स्टेट, आपको नॉर्मली लोगों के पास भी मिल जाते हैं कई बार, राइट? तो एलिफेंट्स को प्रॉपरली किस तरह से उनके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को इंश्योर किया जाए, कैसे वो एक्सटिंक्ट एंडेंजर ना हो, इसीलिए हमने एक प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया था 1992 में. ठीक है, अब एशियन एलिफेंट्स के लिए था मेजरली. तो एशियन एलिफेंट्स का आप थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल लिख सकते हो कि इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, हर जानवर हर प्लांट का एक साइंटिफिक नेम होता है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज एलिफास मैक्सिम इंडिकस, दैट इज इट्स साइंटिफिक नेम. ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है. Right? So they inhabit dry to wet forest and grassland habitats in 13 range countries spanning South and Southeast Asia. South और Southeast Asia में mostly आपको 13 range countries में मिलते हैं. Range countries का मतलब होता है जहां पर इनकी population आपको दिखेगी. तो ऐसे 13 countries है, ठीक है, इस range में 13 countries आती है जहां पर आपको elephants, Asian elephants की population मिल जाएगी. ठीक है, प्लीज ये गाइस पॉइंट्स लिखो यार, ये मिस मत कर देना वरना फिर बाद में प्रॉब्लम होगी. प्लीज राइट देम. अब पॉपुलेशन में इनकी बताया तो आपको करीब 50,000 से 60,000 एशियन एलिफेंट्स हैं अभी दुनिया में. इंडिया में सबसे ज्यादा है, करीब करीब 30,000 इंडिया में है ना. जो हमारा लास्ट सेंसस हुआ था इनका, तो 2017 में हुआ था, तो उसके अराउंड 29964, तो करीब करीब 30,000 एशियन एलिफेंट. तो दुनिया की जो पॉपुलेशन है ना, उसका करीब 60% हमारी कंट्री में ही है, राइट? इंडिया में 33 एलिफेंट रिजर्व्स है फिलहाल. वी हैव 33 एलिफेंट रिजर्व्स एज वेल, राइट? इसमें से 3 एलिफेंट रिजर्व्स को तो पिछले साल नोटिफाई किया गया है. प्लीज लिख लो, लेमरू ईआर इन छत्तीसगढ़, अगस्ता मलाई ईआर इन, ईआर इज एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, इन तमिलनाडु, एंड टेराई ईआर इन उत्तर प्रदेश. ये 3 एलिफेंट रिजर्व्स हैं जो लास्ट ईयर ही नोटिफाई हुए हैं एज एलिफेंट रिजर्व्स. ओके, अब इन एलिफेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक ना लिस्ट आती है IUCN की. IUCN इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर.
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की लिस्ट में ये एंडेंजर्ड एनिमल है, राइट? इट इज एन एंडेंजर्ड एनिमल इन द लिस्ट ऑफ IUCN, जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया में है. दैट इज व्हाई इंडिया मेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट इन इम्प्रूविंग देयर स्टेटस जनरली, राइट? तो इसीलिए इसको एक तरह से कह सकते हो कि थोड़ा सा इंडिया एक तरह से वी कीप देम बहुत ही प्रोटेक्टेड, है ना? कुछ कुछ जगहों पर बहुत ही प्रोटेक्टेड रखते हैं इनके नेचुरल हैबिटेट को. वी डोंट जनरली ट्राई टू नॉट डिस्टर्ब एट ऑल, है ना? ये कोशिश की जाती है कि इनका नेचुरल हैबिटेट एज इट इज रहे, इट इज नॉट डिस्टर्ब बाई एनी ह्यूमन एक्टिविटीज और एनी बडी फॉर दैट मैटर, राइट? तो थ्रेट्स क्या है मेजरली? डिमांड फॉर आइवरी लिड्स, ठीक है? जो इनके बहुत बड़े जो टस्क होते हैं ना, आपने देखे ना एलिफेंट्स, एंड आई एम प्रीटी श्योर सबने एटलीस्ट फोटो में तो देखा ही होगा, अगर रियल लाइफ में देखा है तो उनके बड़े से टस्क होते हैं, ठीक है? वो टस्क वगैरह के लिए बहुत ज्यादा उनको यूज किया जाता है, ठीक है? तो अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट्स को बहुत सारे को मारा जाता है इस वजह से, राइट? अब एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग अदर देन दिस इज अ लॉट ऑफ फॉरेस्ट्स आर नाउ बिकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल एरिया. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो पहले भी फॉरेस्ट हुआ करता था, वहां पर भी कोई हाईवे बन गया, वहां पर कोई नई रेजिडेंशियल सोसाइटी बन गई, तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि एलिफेंट का जो नेचुरल हैबिटेट था ना, उनका नेचुरल हैबिटेट खत्म ही होता जा रहा है. दे डू नॉट हैव देयर नेचुरल हैबिटेट एनी मोर. तो अब क्यों? क्योंकि अब इतना ज्यादा उनका नेचुरल हैबिटेट ही खत्म हो रहा है, वो सिटीज में आ जाते हैं, सिटीज में कभी उनके लोगों से फाइट हो जाती है, लोग मर जाते हैं, लोग कभी उनको मार भी देते हैं, है ना? तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. तो जैसे जैसे फॉरेस्ट कवर कम होता जा रहा है, एलिफेंट्स की तादाद और से कम 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 से कम होती जा रही है. अभी ये असम में इसको इनॉग्रेट किया है. आप असम का ही अगर एक स्टैटिस्टिक उठा के देखोगे ना, असम में हर साल कम से कम 150 से 200 एलिफेंट अटैक्स होते हैं लोगों पर, क्योंकि वो एलिफेंट वहां पर रहा करते थे पहले, अब वहां पर अलग अलग कुछ कुछ बन गया है और वहां पर एलिफेंट्स निकल के आ जाते हैं. वो कभी कभी लोगों को मार देते हैं, कभी कभी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसा बहुत होता है, है ना? ऑल्सो जो भी एलिफेंट जू में, सर्कस में, टूरिज्म वगैरह के लिए यूज होते हैं, उनका बहुत ही ज्यादा मिसट्रीटमेंट होता है. उनको ठीक से खाना नहीं खिलाया जाता है, उनको गलत गलत मान लो दवाइयां दे दी जाती है उनको बड़ा करने के लिए जल्दी, है ना? तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इंडिया के पास इसके लिए कोई लॉ नहीं है प्रॉपरली. वी डू नॉट हैव एनी प्रॉपर लॉ टू डील विद दीज इश्यूज. सो वंस दीज इश्यूज आर सॉर्टेड आउट, प्रॉबली वी विल बी एबल टू इंक्रीज द पॉपुलेशन इवन यू कुड से रैपिड स्टेट स्टेज, लेकिन अभी तो फिलहाल इट्स एन एंडेंजर्ड एनिमल, है ना? सो लेट्स होप वी आर एबल टू सक्सीड इन आवर अटेम्प्ट एट रिवाइविंग देयर पॉपुलेशन, बट एज ऑफ नाउ इट्स अ एंडेंजर्ड स्पीशी, ठीक है? तो अभी गज उत्सव हमने 30 साल ऑब्जर्व किए थे हमारे प्रोजेक्ट एलिफेंट के, ठीक है? सरकार के कुछ कुछ इनिशिएटिव्स हैं, इनके बारे में मैं लिखवा देता हूं. एक नेशनल पोर्टल बनाया हुआ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट पे कॉल्ड सुरक्षा, ठीक है? कि किस तरह से, मतलब व्हाट इज द रियल टाइम इन्फॉर्मेशन एंड हाउ टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन अ रियल टाइम बेसिस एज वेल, कि किस तरह से हम उसको मैनेज करें, हाउ टू मैनेज दीज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड how to work on it, ठीक है? There is another technology called LIDAR. तो ये government इस technology का use करके क्या करती है? उनको खाना और पानी पहुंचाती है, ठीक है? Fodder and water augmentation in forest, so that animals will get food and water in forest areas and will not come outside. तो वो अंदर ही उनको खाना वाना पहुंचा दिया जाता है, ताकि वो खाने की सर्च करते करते ह्यूमन सेटलमेंट वाले एरियाज में ना आ जाए. जैसे मैं आपको बता था, काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए किया जाता है ये, ताकि वो ह्यूमन सेटलमेंट्स वाले एरियाज में अवॉइड किए जाए. देयर इज अनदर प्रोजेक्ट व्हिच इज कॉल्ड प्रोजेक्ट रीहैब, है ना? यहां पर क्या होता है, बी बॉक्सेस विल बी यूज्ड एज अ फेंस टू प्रिवेंट अटैक ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है? बी बॉक्सेस मतलब क्या होता है? बी बॉक्स, एनीबॉडी यू कैन टेल मी व्हाट इज अ बी बॉक्स? व्हाट इज अ बी, बताओ? सो बी तो आई थिंक सबने सुना है, I'm pretty sure it's मधुमक्खी, है ना? हाँ, everybody knows about it. तो बी boxes यूज किए जाते हैं कि अगर बाहर एलिफेंट आएगा तो बी boxes को छोड़ा जाएगा, ताकि एलिफेंट्स को मतलब रोका जा सके एक बार,
ठीक है, सो दे आर सेट अप इन पैसेज विद अ ह्यूमन एलिमेंट कॉन्फ्लिक्ट जोन टू ब्लॉक द एंट्रेंस ऑफ एलिमेंट्स टू ह्यूमन हैबिटेशंस। कई बार कोशिश की जाती है कि उनको आगे ना बढ़ने दिया जाए, सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट आर यूज्ड अगेंस्ट एलिफेंट्स, बट वी स्टिल सी अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैपनिंग ऑन, यू कुड से, क्वाइट डेली बेसिस, मतलब बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम है। लेट्स होप वी आर एबल टू वर्क ऑन इट वेरी क्विकली। चलो वन मोर टॉपिक टू डिस्कस हियर, विच इज द स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव। अब स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव क्या है? तो स्टैंड अप इंडिया इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो उसमें कुछ कैटेगरीज आइडेंटिफाई की हैं, मेजरली इट्स फॉर एससी एसटी कम्युनिटीज एंड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। इसका जो अभी तक जो मैं पढ़ रहा था, इसका जो बजट है, इस 80% के आसपास बजट अभी तक वुमेन को ही मिला है इसमें। तो वुमेन एम्पावरमेंट और एससी एसटी के लिए काफी अच्छी स्कीम है ये, ताकि वो लोग प्रॉपरली इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो सके, ठीक है। तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया था 2016 में, डेट लिखने की जरूरत नहीं है, ईयर लिख लो लेकिन, राइट। तो इस पर्टिकुलर स्कीम को भी रिसेंटली एक्सटेंड कर दिया गया 2025 तक, दिस हैज बीन एक्सटेंडेड टू 2025। और इसको क्यों लगाया था, क्यों बनाया था? टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एट ग्रास रूट लेवल, फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड जॉब क्रिएशन, कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे, किस तरह से हम लोग लोगों को इकोनॉमिकली एम्पावर कर पाएंगे। स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव वाज फॉर दैट पर्पस। ओके, अब पर्पस मैं आपको बताया था, पर्पस ऑलरेडी मोर ऑर लेस आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख लेना। इसके जो ग्रुप्स हैं, देयर आर मेजरली यू कुड से थ्री कम्युनिटीज तो नहीं बोल सकते, बट थ्री ग्रुप्स बोल सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप इज वुमेन, सेकंड इज एससी ग्रुप एंड थर्ड इज एसटी ग्रुप, ठीक है। ये तीन ग्रुप्स हैं इसके। जनरली अगर आप कुछ नया शुरू करोगे, ठीक है, ग्रीन फील्ड शुरू करोगे, मतलब यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, तो आपको पैसे दिए जाते हैं। मतलब इट इज नॉट फॉर अ बिजनेस दैट इज ऑलरेडी रनिंग एंड देन यू वांट टू इन्वेस्ट इन दैट, इट इज गिवन फॉर अ न्यू बिजनेस। तो ये 10 लाख रुपए से लेके 100 लाख रुपए तक का, टू एटलीस्ट वन एससी एसटी बोरोवर एंड एटलीस्ट वन वुमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आर प्रोवाइडेड। तो एक ब्रांच से 10 लाख से लेके 100 लाख तक के लोन्स दिए जा सकते हैं अपेरेंटली, जो जो भी इसके अंडर शेड्यूल कमर्शियल बैंक की ब्रांच है, मतलब जिन जिन ब्रांचेस को एक तरह से गवर्नमेंट ने गाइड कर रखा है, ऑर्डर कर रखा है कि भाई आप लोगों को इस स्कीम के अंडर लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, तो 10 लाख से लेके 100 लाख तक के दे सकते हैं। दैट इज द रेंज इन विच क्रेडिट कैन बी अफोर्डेड। ओके, एंड बैंक लोन्स ऑब्वियसली। तो जैसे स्कीम क्या करती है, सारी बैंक ब्रांचेस को बोलती है कि भाई आप लोन्स एक्सटेंड करो, मतलब एनकरेज करती है। प्राइवेट बैंक्स को तो जबरदस्ती नहीं कर सकते, बट एनकरेज करती है। तो कैसे, या तो डायरेक्टली ब्रांच पर ही, आपकी कोई ब्रांच पर आ जाएगा, आप उनको वहां पर लोन सैंक्शन कर दो। दूसरा तरीका ये है कि इनका एक पोर्टल है, लिख लो standupmitra.in, ठीक है, www.standupmitra.in करके पोर्टल है, या तो वहां पर देखो, या फिर आपका जो भी लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, मतलब उस पर्टिकुलर स्कीम का जहां पर भी आपने एक लीड अपना ब्रांच बना रखा है, वहां से दे दो, ठीक है। तो दो तीन तरीके गवर्नमेंट ने सुझा रखे हैं कि इन तरीकों को यूज करके आप एक्सटेंड कर सकते हो लोन्स को, एंड यू कैन स्टार्ट गिविंग लोन्स टू पीपल सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर न्यू बिजनेसेस। दिस इज अगेन, मैं आपको इसके लिए एलिजिबिलिटी भी बताया था, कौन कौन एलिजिबिलिटी है आपको। यू हैव टू बी एन एस सी एस टी और अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, मिनिमम 18 ईयर्स आपका एज होना चाहिए, ठीक है। तो यू हैव टू बी 18+, 18+ होना जरूरी है एज में। ओके, ऐसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए, मतलब सिर्फ न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए, दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर ओल्ड प्रोजेक्ट्स, ये सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। ओके, अब कई बार क्या होता है कि जैसे एससी और एसटी और वुमेन तो पर्सन है, ये तो नेचुरल पर्सन हैं, बट अगर मान लो मैंने कोई कंपनी खोल दी,
और उस कंपनी में 10 लोग काम करते हैं, ठीक है, मतलब 10 पार्टनर्स हैं एक तरह से, पार्टनर्स तो नहीं होते कंपनी में, 10 शेयर होल्डर्स हैं मान लो, तो उस केस में ये रिक्वायरमेंट है कि आपने भी जस्ट कंपनी खोली, आप एक नया बिजनेस शुरू करने वाले हो, तो 51% शेयर होल्डर्स या तो SC ST कम्युनिटी से हो या फिर वुमेन ऑन्ट्रप्रेनर्स हो, राइट, मिनिमम 51%। तो अगर मेरे पास 10 लोग है तो उसमें से 6 लोग चाहिए मेरे को, ठीक है, उसमें से 6 लोग चाहिए मेरे को जो कि इधर वुमेन ऑन्ट्रप्रेनर हो या फिर कोई SC ST शेयर होल्डर हो। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर वुमेन ऑन्ट्रप्रेनर या फिर SC ST ऑन्ट्रप्रेनर ने किसी बैंक से पहले लोन लिया था और उसको डिफॉल्ट कर दिया था, ऐसा नहीं चलेगा। तो अगर आपका क्लियर अकाउंट है, अगर आपका देर इज नॉट, देखो, बोरोवर शुड नॉट बी इन डिफॉल्ट टू एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर आपने पहले कोई ऐसा डिफॉल्ट मारा है देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू। ऑल्सो आपने देखा होगा कि SC ST विमेन के लिए काफी सारी स्कीम्स होती हैं, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, वो सब स्कीम्स होती हैं, तो उसके ऊपर ओवर एंड अबव 15% का लोन आपको मिल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मिल गई तो ये नहीं मिल पाएगा, उसके ऊपर भी आपको और लोन दे दिया जाएगा, ठीक है। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, आज अगर मान लो कि मेरे को कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो मेरे को पहले ये दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास मिनिमम उसका 10% तो है आज। मतलब मुझे मान लो अगर 1 करोड़ रुपए मुझे लग रहा है कि कॉस्ट आएगी मेरे बिजनेस में, तो मेरे को ये दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, 10% मेरे पास है ना, मुझे बाकी के लोन की जरूरत है। तो यू कांट कम एकदम एम्प्टी हैंडेड एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द बैंक एंड आस्क फॉर मनी, आपको ये बताना पड़ेगा कि दिस इज व्हाट आई नीडेड फॉर एंड 10% इज व्हाट आई हैव राइट नाउ, मिनिमम 10% एंड आई एम लुकिंग फॉर मोर, तो दैट इज द एलिजिबिलिटी फॉर लोन्स अंडर द स्कीम। ओके, नेसेसरी फाइनली फाइनेंशियली वीक, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है यार, वो मतलब ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं दे रखा है। हाँ, वेमेन फ्रॉम एनी कैटेगरी, वेमेन का कोई उस पर जरूरी नहीं है कि शी शुड बिलोंग टू SC ST, वेमेन फ्रॉम एनी कैटेगरी। तो इसीलिए इसमें अभी तक 80% के आसपास जो एक तरह से कह सकते हो लोन्स दिए गए हैं ना, वो वेमेन को ही दिए गए। तो यहाँ पर आपको ग्रांट नहीं मिलेगा, यू विल गेट इट एज अ लोन, आपको किसी पॉइंट पर चुकाना पड़ेगा, है ना, ऑल्दो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लग सकता है बट यू विल हैव टू गिव इट बैक, इट जस्ट दैट कि इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट में लोगों के पास पैसे नहीं होते तो वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे यहाँ पे। ओके, चलो लेट्स डिस्कस दिस, लेट्स डू सम क्वेश्चंस नाउ। द जर्नी ऑफ MV गंगा विलास क्रूज शिप विल एंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, कहां पर वो जाकर एंड हो जाएगी। सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो कि स्टार्ट तो कहां से हो रहा है। सो इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वाराणसी, मैं आपके लिए एक ऑप्शन एलिमिनेट कर देता हूँ ऑलरेडी, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वाराणसी, इट्स एंडिंग एट डिब्रूगढ़, ठीक है, डी डिब्रूगढ़ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डिब्रूगढ़ में खत्म होगी। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट दिस एंड टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से क्या क्या करेक्ट है। तो आई विल शो यू विद एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज इनकरेक्ट। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि ये 3200 किलोमीटर चलेगी इन 27 रिवर सिस्टम इन 5 स्टेट्स, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है, देखो यहां पर लिखा है इन 10 स्टेट्स, ठीक है, तो ये गलत है, अदरवाइज बाकी दोनों चीजें सही है, ठीक है, बाकी दोनों चीजें सही है, लेकिन
दिस इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, और 27 रिवर सिस्टम है, 20 नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी ऑफ द गंगा विलास क्रूज शिप, इसकी इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन है? सो इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है, प्लीज लिख लो, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज. मिनिमम पर डे फेयर क्या है इसका? व्हाट इज द मिनिमम पर डे फेयर ऑफ द गंगा विलास क्रूज? गुड, द मिनिमम पर डे फेयर इज 25,000, सो द फेयर रेंजेस फ्रॉम 25K टू 50K, राइट, द मिनिमम फेयर इज 25,000. Which of the following is the largest river island in the world that will be covered during the Ganga Vilas cruise journey? Largest river island in world ka jisko cover kiya jayega is particular journey mein. Good, that island is called the Majuli Island. ठीक है, मजुली आइलैंड का नाम. नेक्स्ट पैसेज, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है ये रिपोर्ट अभी? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव कम अप विद दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट? गुड, इट्स ऑक्सफैम इंटरनेशनल, ठीक है, Oxfam International. According to the report, the country, again India की बात हो रही है, 1% of Indians hold what percent of India's wealth? तो India के जो richest 1% है ना, उनके पास कितनी percent India की wealth है? So the upper 1%, जो ऊपर के 1% है ना, they hold 40% of country's wealth. 40% is held by just 1% of the Indians. The female workers earned dash पैसा for every 1 rupee earned by a male worker. तो ये एक तरह से आपको income inequality के बारे में बताता है कि एक female worker को कितना पैसा मिला है for every rupee that is earned by a male counterpart. So a female worker has earned only 63 paisa for every rupee that her male counterpart has earned. That is really problematic. CEO कौन है Oxfam India के, जिसका जो India branch है उसके CEO कौन है? Who is the CEO of Oxfam India? Oxfam India's CEO is Amitabh Behar. हाँ, Amitabh Behar. Last question: Where are the headquarters of Oxfam International located? इनके headquarters किधर है?
Okay, so they're good. Their headquarters are located in Nairobi, capital of Kenya. इंटरेस्टिंगली नैरोबी में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की भी हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है? तो वहां पर इसके हेडक्वार्टर्स हैं ऑक्सफाम इंटरनेशनल के भी। सो गाइस दैट इज इट अबाउट दिस सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस। आई होप इट वॉज यूजफुल। आई सी यू अगेन एट 5 o'clock, ठीक है? 5 PM पर मैं आपसे वापस मिलूंगा। एंड दिस इज द कोड केशव लाइव कोड यूज करके विल गेट 20% ऑफ ऑन अकेडमी। सो स्टार्ट अ प्रिपरेशन राइट अवे, है ना? ये आपको मिल रहा है। मैं आपको फिर से फर्स्ट स्क्रीन दिखा देता हूँ जहाँ मैंने इसकी बात की थी, ठीक है? तो दिस इज दी 20% ऑफ इज गोइंग ऑन अकेडमी राइट नाउ एंड यू कैन यूज द कोड केशव लाइव, टेक योर सब्सक्रिप्शन राइट अवे। दिस इज द बैच वी वुड बी स्टार्टिंग ऑन 13th, ठीक है? 13th को हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग इस बैच से आ जाओ एंड स्टार्ट अप प्रिपरेशन। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। कार्ड्स टॉपिक, कार्ड्स की कम चांसेस यार आने के, मतलब पिछले 4 साल में तो कभी नहीं देखा गया। जस्ट टू बी सेफ बेसिक क्वेश्चंस कर लेना, बस बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आने चाहिए ना। मतलब यू शुड नो कि चारों वो स्पेड्स वगैरह उसको क्या बोलते हैं कलर्स को, एंड यू शुड नो कि नंबर्स कितने होते हैं, कितने टोटल कार्ड्स होते हैं डेक में। बेसिक चीजें आनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी फिर अपने आप निकाल पाओगे थोड़ा बहुत, राइट? चलो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। आई विल सी यू अगेन। मैं आपसे वापस मिलता हूँ 5 बजे, राइट? थैंक यू। नहीं नहीं आएगा कि गारंटी कोई नहीं लेगा, बट कम चांसेस है, डेफिनेटली कम चांसेस है काफी, राइट? चलो थैंक यू सो मच गाइस, बाय, आई विल सी यू अगेन।